हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम तो नहीं अच्छे हैं दोस्तों, क्या बताएं, हमारे जिंदगी में लग रहा है टेंशन ही टेंशन रहेगा और टेंशन से हम एक दिन चले जाएंगे ऊपर। दोस्तों क्या बताएं, आप लोग देखे होंगे रात को दीदी का वीडियो, दीदी हमको बहुत ज़्यादा बोल रही थी और हमारा भी कहीं ना कहीं गलती है। दोस्तों कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में झगड़ा लड़ा रहे हैं, झगड़ा। दोस्तों कोई था जो हमसे बोला कि आपकी दीदी आपके बाबू के मुंडन में नहीं आएंगी, तो हमें लगा शायद दीदी सही बोली होंगी, शायद वहाँ पे हैं, शायद नहीं आएंगी। और हम यही कुछ बोले मतलब दीदी से, तो दीदी हमको गुस्सा होकर बोलने लगी, हम नहीं आएंगे, तुमको कैसे पता चला हम नहीं आएंगे, तुम जाने कैसे, कौन बोला। दोस्तों यही सब बातें हैं, दीदी बोल रही हैं कि हम आपसे रिश्ता ख़त्म करते हैं। क्या बताएं दोस्तों, हमको तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। हम देखे होंगे बार बार फ़ोन कर रहे हैं लेकिन दीदी हमारी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। बताइए, अगर हमारी गलती हो गई एक बार तो माफ़ कर देना चाहिए ना, लेकिन नहीं मान रही हैं और हमारा फ़ोन नहीं उठा रही हैं, कार्ड दे रही हैं। बताइए, कह रही हैं कि हमारे घर मत जाइएगा और हमारे बहन से मतलब ना रखिएगा। इनकी बहन है तो हमारी बहन नहीं है, शबनम और जान की इन्हीं की बहन है। बताइए आप लोग, हम इनको अपनी बहन मानते हैं, अपने जान से ज़्यादा। आज तो कहा तो दीदी हमारे साथ छोड़ दो, कब जिंदगी में ना छोड़ब, कितना कत्ल हो जाए कहाँ से, लेकिन हम ना छोड़ब तार साथ कबो ना छोड़ब। और दोस्तों कुछ लोग हैं जो हमारे और दीदी के बीच में झगड़ा लड़ा रहे हैं, बहुत बहुत से बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारी गलती है, हमको एक बार दीदी से पूछ लेना चाहिए ना कि दीदी का ये बात सही है क्या नहीं सही है, लेकिन हमारी गलती है। और हम दीदी से माफ़ी भी मांग रहे हैं लेकिन दीदी हैं कि हमसे बात ही नहीं करना चाह रही हैं, बोल रही हैं 4-5 साल का रिश्ता हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज बात ना तुम हमसे मतलब रखना ना हम आपसे मतलब रखेंगे, आज से हमसे कोई मतलब नहीं है। और यही सब बातें हैं दोस्तों, बताइए, बहुत ज़्यादा टेंशन है। हमको तो नींद ही नहीं लग रही थी दोस्तों, हम रात में बहुत रो रहे थे और हम गए थे शबनम के मतलब दीदी के घर गए थे, शबनम को मम्मी को देख के बहुत रोना आ रहा था, हम बहुत रो रहे थे। अब रोने से क्या फ़ायदा दोस्तों, जब गलती हो गई नलला। दोस्तों आप ही लोग बताइए हम क्या करें, हम कैसे मनाएं दीदी को, हम तो अपनी गलती मान रहे हैं लेकिन अगर दीदी कहे होंगी तभी ना हमसे वो लोग आके बोल रहे थे कि आपकी दीदी ऐसी बोल रही हैं। पर हमको समझ में आ रहा है लोग झगड़ा लड़ा रहे हैं, हमारी दीदी ऐसी नहीं है, आज तक हमारी दीदी हमको कुछ बोली ही नहीं है, उल्टा सीधा हमसे ऊंची जबान में दीदी मतलब हम उनसे छोटे हैं लेकिन हमको कभी ऊंची जबान में हमसे बात ही नहीं की है दीदी। और हम विश्वास नहीं, हमको लग रहा है दीदी मान जाएंगी, लेकिन आप ही लोग मनाइए और आप ही लोग बताइए हम क्या करें हमारे दीदी जो कि मान जाए। और वहाँ पर सपना में ताक रही हैं, क्या बताएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ नहीं कर रहा है, रिंकी आई है तो ऐसे सुबह से टेंशन में बैठे हैं दोस्तों, कैसे मनाएं अपने दीदी को आप ही लोग बताइए। और जो लोग हमारे घर में झगड़ा लड़ा रहे हैं ना, कृपया आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने घर में रहिए, हमारे घर में मत आइए, हमारे दो फैमिली के बीच में, ठीक है, नहीं तो हम मुँह वुँह तोड़ देंगे आप लोग का, ठीक। जो लोग झगड़ा लड़वा रहे हैं हमारे और दीदी के बीच में, हमारे दीदी के बीच में जो भी आएगा उसको मिसल देंगे, इसमें मिसल देंगे, ठीक है। आप ही लोग की वजह से हमारी दीदी नाराज़ हो गई हैं, ठीक। मतलब जैसे कुछ लोग हैं, अगर हमसे कहे ना होते, हम सुने ना होते, ना ही हम बोले होते, तो हमको ज़्यादा टेंशन ये सब बात नहीं है, हमको ज़्यादा टेंशन है दीदी बोल रही है कि हम आपसे मतलब नहीं रखेंगे, 4-5 साल का रिश्ता हम ख़त्म करते हैं, आपके बाबू के मुंडन में नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगी बताइए, कैसे नहीं आएंगी? हाँ दीदी बतावा, कह सुनाए वो बतावा। हम तो बोला थे हम आ गए पहले मेरे बाबू मुंडन में, जब तक नहीं वो बाबू मुंडन में बने। दोस्तों ये सब बातें कब से होने लगी, जब से घर में आदमी रखने लगे ना तभी से ये सब बातें होने लगा, इधर का बात उधर का बात इधर, हम लोग के रिश्ते में दरार। कुछ लोग हैं जो कि फैला रहे हैं मतलब तोड़ना चाहते हैं हम लोग को, लेकिन आप लोग के कहने से हमारा रिश्ता नहीं टूट जाएगा, लेकिन लग रहा है तोड़ ही दिए हैं आप लोग रह के हमारे घर में। हाँ हम तो यही कहेंगे दोस्तों, आप क्या बोले इसके सिवा,
हमको तो मम्मी मम्मी सब नम नम बहुत समझाए कि दीदी रोवा मत, ज्यादा जो नहीं गया मिलजुल के रहा, लेकिन नहीं दोस्तों कैसे बताइए, दीदी मान ही नहीं रही है, हम क्या करें। तो दोस्तों अभी फोन लगाएंगे हम दीदी के पास, तो देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। और आप सब लोग एक बार बोल रहे थे किन किन लोगों के वजह से हमारे घर में दरार पड़ रही है, लेकिन हमको दिमाग में हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, लेकिन अब समझ में आ रहा है। दोस्तों हमारे दीदी के सिवा हम किसी को उतना प्यार नहीं करते हैं जितना अपने दीदी से मतलब रखते हैं, जितना प्यार करते हैं, ठीक। और दीदी बोल रही है तोरे जिंदगी में और क्यों आई बा, उसे प्यार करे लागो तो हमके बुलाई गो। नहीं दोस्तों ऐसे कुछ बात ही नहीं है, हम दीदी के कितना किसी से मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। और दीदी हमारे वीडियो देखिए तो हमके माफ़ कर दिया दीदी, अब झगड़ा उगड़ा ना करा दीदी हमार, प्लीज हमार फोन उठा ला प्लीज दीदी। कब नम आई है अभी हमारे पास, अगर दीदी वीडियो देखेंगे ना तो सब नम को डांटेंगे, क्योंकि कल बोल रहे थे कि हम अपने बहन से नहीं बोलने देंगे, नहीं तो हमारे घर जाओगी, नहीं मेरे बहन से मतलब रखोगे, सब नम से मतलब नहीं रखो ना ही हो तो अनुन मैं दोनों जानी दीदी हो तब का मतलब नहीं रख बोलो। दीदी कहा रहे कि हमारे बहन से ना बोलिए, हाँ उनके कहाल का कैसे काम कर रहे हैं उनको, सब नम जब हम गलती करें हम तो माफ़ी मांगा थे ना, माफ़ कर दी चाहिए ना, बता देना सब ना, मतलब हम जैसे क्यों कहे ना कि तुहार दीदी तो से प्यार ना करते ना, तो तोरे बाबू मुंडन में देख लूँ वही ना, तो हम कह रहा कि हमके दीदी हो क्यों कहा था तुम्हारे बाबू मुंडन में नहीं, बस दीदी कहें तो क्यों बात मानबू हम कैसे नहीं आए वहाँ बतावा बात ना, एकदम नहीं आए एकदम नहीं आए, मतलब पूछ ले तो हमें गलत बात कहा है ना, लेकिन वो तीसरा मन ही कौन है कि तू लोन में झगड़ा लगा था, ऐसे ना करे चाहिए मनाई के चाहिए, एक दूसरे के देख के जलन ना चाहिए, हमारे परिवार के बीच में आने लोगों झगड़ा हो गया ना, ऐसा ना करे चाहिए, अब बतावा दू मनई खुशी खुशी जियत बात कौन जरूरी है तीसरा के आके टांग लड़ावे के कि तोहार दीदी ऐसी करी तोहार बहनी ऐसी करी, ऐसे ना करल जाला ये गलत बात है, क्या बता।